नाजरीन आदाब, आज वो गोजरी प्रोग्राम मारे बिर सलेगे तो आखिर आलम आपकी खिदमत हाजिर है। नाजरीन, आप सबना ना पता हो कि हम अपना प्रोग्राम बच बैंत सुनावा, नवा नवा लोगों ना मुलाकात करावा, खेड दसा गोजरी जी पुरानी खेड है। अज को जो मारो मुद्दो या टॉपिक है वो थोड़ा जोलत। अज मैं आप लोगों को दसूंगो बिंडा के बारे, जो सिखाड़ा के आप यहाँ बात सुन रहे जी, ये बिंडा की है, गुजर इसमें बिंडो के। आजकल आप देखता होगा बहुत जोरों की आवाज आ रही जरी, और आवाज़ के नाल नाल हमने लब्बे रहे कुछ नहीं। नाजरीन, बिंडो यो आवाज़ क्यों करे, बिंडो रह कहते हैं, खावे की है, और बिंडा की के मज़ेदार लाइफ है उसके बारे में आप लोगों को। देखिए, मैं पहला बिंडा की आवाज़ के बारे में, बिंडो आवाज़ क्यों करे। बिंडो आवाज़ इसलिए करे, यो आवाज़ नर बिंडो करे, और जितना भी जिला किट्ठा हुआ एक बूटा बिंडा आवाज़ करे, वो जिस जड़ा की जोर की आवाज़ होगी मादा उसनाल जाएगी, उसना मेटिंग करेगी, और मेटिंग करने के बाद उसका बच्चा आगा बदेगा, यानी परिवार उसको बदेगा जड़ा की जोर की आवाज़ है। तेनों में कॉम्पिटिशन है, जड़ा जोर की आवाज़ करेगा उसकी पौधा आगा बदेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कह सके एक तरीका से। और बिंडा ने मेटिंग कर ली, फिर उसके बाद उसको लाइफ साइकिल किया, मतलब मेटिंग करने के बाद किसी दो बच्चों दे अंडो दिया के करें, तो जी बिंडा की मादा है वह अंडा दिए, और एक जी फीमेल है वह लगभग 400 से लेकर 600 तक अंडो दे उड़े, और अंडो देने के बाद जब अंडा बिचों बच्चा निकले, वो सीधो डायरेक्ट बिंडो नहीं निकलता, अंडा बिचों लुड़ियार निकले, और जड़ी वह लुड़ी वे वह क्या करें, बूटा की जड़ें उड़ जाए, जमीन में जाकर मिट्टी भी बढ़ जाए, मिट्टी बिच बढ़ गया, जो आम भारत में सिखाड़ा आए कोई एक साल या दूजे साल बाद मिट्टी बिचों निकल के आ गए, मड़ गए बिंडो बन जाए, मिट्टी बिचों लुड़ी निकली, लुड़ी पाटी, पाटन के बाद बिंडो बन गए। अब देखता होगा कि कई बूटा की मट्टियाँ पर खाली बिंडा खो 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 गए रे हो, उसका अंदर कुछ ही निकल गई, जो वह लुड़ी वो उसे उड़ नहीं पाती, लेकिन जब उस खोखा बिचों निकले उस वे वह उड्डन वालों भी वो। मजा की बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर कुछ त्रै चार प्रजाति है जिड़ी अंडा बिचों निकलने बाद जी लुड़ी जमीन के अंदर हुए वह लगभग 13 साल या 17 साल जमीन के अंदर ही बितावे, एक लुड़ी और 13 या 17 साल जमीन के अंदर बिताने के बाद फिर निकले, मतलब बिलियंस ऑफ सिकाड़ा है जोड़ा वो जमीन से बाहर निकले और फिर वही मेटिंग करे 17 साल बाद, और हर 17 साल बाद मतलब हर बूटा पर हर थारे मतलब इतनी जोर की आवाज़ और इतना सारा सिकाड़ा, मतलब जिना बिंडा के वो बोले पिया और को माहौल ही अलग हुआ, मतलब इतना टूरिस्ट और जानना देखने लगे 17 साल बाद कि जिसकी कोई तादाद नहीं है, क्योंकि आदमी की ज़िंदगी कितनी है, बहुत हद से ज़्यादा हुई आजकल 70 साल, तो 17 साल में एक आदमी ने चार ही मौका थोड़ा उन्होंने देखने का कि मारा वाला जरा सिकाड़ा आए, तो मतलब हम हर साल सुन लिया या देख लिया। अच्छा, सिकाड़ो इसो क्यों जी बोले तो लग तो नहीं, उसनों के अपना अपना बचाने एक तरीको, सिकाड़ा को जिसो रंग हुआ है सिकाड़ो उसे ही बूटा पर जा कर है जिससे बाकी चिड़ी पक्षियों ने नहीं लभे। अच्छा, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बनाई या प्रकृति ने कोई भी चीज़ बनाई उसको मकसद रखियो, वो बिना मकसद के पैदा नहीं किए, और सिकाड़ो मकसद किए। सिकाड़ो क्यों जरूरी है प्रकृति लिए, सिकाड़ो चिड़ियों को कुछ डड पर जाती है और सप्पा को और बुबुआ को खानो है, और उन्नो ये चीज़ खावे और अपनो पेट भरे, और उनका अपना अपना रोल है। मैं आंगाड़ा एपिसोड में यहाँ दसूँगा जी भाई किस चीज़ को के रोल है प्रकृति में। हम गल यह है कि भाई सिकाड़ो है जो वो 17 साल जिए या 2 साल जिए 3 साल जिए 13 साल जिए, वो जमीन के अंदर जा खावे की है। सिकाड़ो जड़ो है वो जमीन के अंदर जड़ा बूटा हुआ है उनको जड़ाओं रस पीए, जूस जुड़ो वो पीए, और जड़ा सिकाड़ा बाहर हुआ निकलेगा वो बूटा की मट्टी ते या बूटा की डालियाँ पर जाके उसको रस पीए। अच्छा, दूजी बूटा नहीं सिकाड़ो कितना जरूरी है, बूटा नहीं सिकाड़ो बहुत जरूरी है, जिसल सिकाड़ो वो लार्वो है जिसल अंडा ते लार्वो निकले जिसल जमीन के अंदर जावे तो क्या करे, जमीन के अंदर भेद करके जावे, जिस वे उसने बेद कर लो जमीन के अंदर, तो उस बेद के थ्रू उस
वेद के नाल नाल हवा जावे और हवा के अंदर ऑक्सीजन हुए और वो ऑक्सीजन बूटा की जड़ों में लगे तो बूटा ने और बड़ा फल फलन फूलन में बहुत सहयोग दिए। अच्छा एक और अंदाजो एक आंकड़ो लावे मारा गुजरा में कि बिंडो शुरू में बोलने लगे बोलतो बोलतो चोटी पर चढ़ गयो फिर बोलतो बोलतो एठा उठ आयो जब दोबारा मुड़ को बोलतो बोलतो चोटी पर चढ़ा हुआ इसको मतलब बरसात उठी आई या बदल पैणो आई। फिर आपने यहाँ लग गया जी भाई पहला हफ्ता बिच जून का बिच सिकाड़ो जमीन से निकलियो बोलतो बोलतो उपर गयो फिर बोलतो बोलतो खाल उठ आयो फिर दोबारा ऊपर चढ़ो तो इसका मतलब ये हुआ बरसात उठ गई या फिर बदल पैण आला अजकल बिच। और सिकाड़ो मतलब उच्चे तां चढ़े ताकि जितना उच्चे होगा उतनी दूर तरी आवाज आनी और उतनी दूर तरी फीमेल ना अट्रैक्ट कर पाए। अच्छा सिकाड़ो लब्बे किसो देखने किसो क्योंकि ज़्यादातर सुनो ये लब तो नहीं सिकाड़ा का दो बड़ी बड़ी आँख हुए काला या सैला रंग हुए पैर हुए टेड हुए और जी आवाज़ करे मुँह ना आवाज़ नहीं करते सिकाड़ो आवाज़ करे अपना टेड ना आवाज़ करे टेड में खिलावे खिलाने के बाद और फिर जड़ाई छह आवाज होगी फीमेल ने उस नाल जाना। आइए और मैं आपको एक लौकी जी वीडियो बिंडाई दसूँ जी मुझे बिल्कुल अपना डेरा का बारह बनाई जी नाजरीन या थी बिंडा की कहानी उम्मीद है आपने पसंद आई होगी उसी उम्मीद नाल कि आपने पसंद आई होगी और आप प्रकृति की जितनी भी चीज़ है उनको सबड़ा सम्मान करेगा और नाहक कोई भी चीज़ है किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाती और बिंडो तो एक बहुत सिद्धो जानवर है और सारी चीज़ इसी है प्रकृति की जी बिना फालतू बिना वजह के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर नाजरीन आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल है या प्रकृति की चीज़ किसी और न ले गए चिड़ी पक्षी बुबुआ बूटो कुछ भी हो सके तो आप कमेंट कर गए या मेल कर गए या फिर नंबर जड़ा मारा इस चैनल में उनते आपका सवाल पूछ सके और आपने बड़ी खुशी होगी जवाब देने में। इसी उम्मीद नाल कि आपने हमारी कहानी पसंद आई होगी तो आखिर हाल हमने गुजरी प्रोग्राम हमारे बिरसा मुकम्मल करने दी इजाज़त किसी नवा प्रोग्राम में किसी नया टॉपिक ले गए कोई नया टॉपिक लेके आप करूँगा मुलाकात रब राखा।